वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मस्ट रीड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर क्लास 10+2 बुक फ्लेमिंगो। तो इस वीडियो में मैंने कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बुक फ्लेमिंगो से मैंने लिए हैं और क्लास 10+2 के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जो मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा वर्ड एग्ज़ाम के अंदर, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और आपकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 100 to 125 वर्ड्स, ये आपकी वर्ड लिमिट जो है वो रहेगी। इतने ही वर्ड्स के अंदर आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में जाने से पहले जो है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको जो है वो मार्क्स अच्छे आ सके एग्ज़ाम के अंदर। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 है, द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। What shows you this and why does this happen? तो ये क्वेश्चन आता है आपका लेसन नंबर 1 से। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर 2 से। लेसन नंबर 2 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, What forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? And second question is, mention the hazards of working in the glass Bengal इंडस्ट्री। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर लर्न कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 से पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल दैट द राइटर विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये जो क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 3 है डीप वाटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है वो आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें डीप वाटर को। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 से जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रैट रैफ सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 जो है लॉन्ग आंसर टाइप के हिसाब से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, इंडिगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 से, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग किसी न किसी सीरीज में जो है वो आता ही है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। आंसर योर क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द लेसन इंडिगो। तो इंडिगो लेसन से ये जो दो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर 6 की, छठे लेसन से जो एक मस्ट रीड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप वो है, व्हाई वाज कोथामंगलम सुब्बु कंसीडर्ड नंबर 2 इन जर्मनी स्टूडियोज। तो ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ सुब्बु कोथामंगलम सुब्बु, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने वैसे भी प्रिपेयर इसको कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 1 है, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड डिस्कस। तो चैप्टर नंबर 8 से ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर जो है वो प्रिपेयर कर लें।
तो ये कुछ एक मस्ट रीड क्वेश्चन है जिनको आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मस्ट रीड है, इनको आपने ज़रूर जो है वो लर्न करके जाना है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आपका जो पेपर है वो तीन सीरीज़ में डिवाइड रहता है, ए वी एंड सी। तो सभी सीरीज़ में दो क्वेश्चन अगर आप लिख के चलेंगे तो छः क्वेश्चन तो उनको डालने हैं, तो इस हिसाब से जो है फिर वो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है हेल्प जो है वो हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक नंबर 2 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो उनको शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।